हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे चैनल रूरल इंडिया व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स आप? फ्रेंड्स आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में सभी व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स मैं देखिए आज आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, इस डिजाइन को आप लेडी स्वेटर, लेडी जैकेट, बच्चों के ड्रेस, जैकेट, मफलर, ब्लैंकेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर के लिए ये ड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। बैक साइड से डिजाइन इस तरह दिखता है, ये इसकी बैक साइड है। और ये आठ आठ फंदों का डिजाइन है, आठ फंदे आठ फंदे आठ फंदे आठ फंदे आठ फंदे और प्लस टू फंदे, ठीक है, आठ आठ फंदों का और प्लस टू फंदे ये डिजाइन है। और डिजाइन जो है फ्रेंड्स हमारा सीधी सिलाई से स्टार्ट होगा। तो देरी ना करते बताती हूँ कि मैंने डिजाइन किस तरह बनाया हुआ। ये देखिए, मैंने 8 के मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 18 18 फंदे डाल रखे हैं। ये देखिए राइट साइड है, पहला फंदा उतार लिया, एक दो, ये दो फंदे इस तरह हमने दो फंदों का एक करना है इस तरह। फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, यहां भी हमने दो फंदों का एक कर दिया। ये देखिए पहला फंदा उतारा, दो फंदों का एक, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो फंदों का एक, फिर धागा अंदर किया, एक दो तीन। ये देखिए पहला फंदा छोड़ के एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ फंदों का ये डिजाइन है। फिर धागा बाहर की, ये दूसरी डब्बी हमारी देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए दो फंदों का मैंने एक किया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, फिर दो फंदों का एक कर दिया, फिर धागा अंदर करके एक दो तीन फंदे उल्टे, और ये हमारा लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बनाया। सेकेंड रो और रोंग साइड से पहला फंदा उतार लिया, जो हमारे राइट साइड से दो फंदे उल्टे हैं वो रॉन्ग साइड से सीधे करके बनाने, ये दो फंदे हमने सीधे बना लिए। धागा अंदर किया, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच और ये छह, छह फंदे उल्टे, एक दो फंदे सीधे, धागा अंदर करके एक दो तीन चार पांच छः, और ये लास्ट वाला फंदा भी मैंने उल्टा ही बनाया, ठीक है। थर्ड रो राइट साइड से पहला फंदा उतार लिया, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, फिर जाली डाली। अब हमने यहां जाली नहीं डालनी है, चार फंदे सीधे फिर जाली डालनी। अब इस फंदे को इस तरह सीधा करके दो फंदों का एक कर दिया, फिर धागा अंदर करके एक दो फंदे उल्टे, धागा बाहर किया, एक दो तीन चार फंदे सीधे, फिर जाली डाली, दो फंदों का एक किया, धागा अंदर किया, दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला फंदा, ये हमारी थर्ड रो बनी। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार के दो फंदे तो सीधे बने जो हमारे उल्टे फंदे थे, एक दो तीन चार पांच छः, छः फंदे उल्टे बने, दो फंदे सीधे, दो तीन चार पांच छः, छः फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो राइट साइड से पहला फंदा उतार लिया, धागा बाहर किया,
और फिर एक दो तीन चार पांच, अब पांच फंदे सीधे हो गए। फिर जाली डाली, दो फंदों का एक किया, फिर धागा अंदर करके एक फंदा उल्टा, ये देखिए एक दो तीन चार पांच, फिर जाली डाली, दो फंदों का एक किया, धागा अंदर करके एक फंदा उल्टा, और ये हमारा लास्ट वाला फंदा, ये हमारी फिफ्थ रो बनी। सिक्स रो रॉन्ग साइड से, पहला फंदा उतार लिया, धागा बाहर किया, एक फंदा सीधा, धागा अंदर करके, अब यहां एक ही फंदा सीधा बचा, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो तीन चार पांच छ सात, फिर धागा बाहर किया इस तरह, ये हमारी सिक्स रो बन गए। सेवंथ रो, पहला फंदा उतार लिया, धागा बाहर किया, एक दो तीन चार पांच छ, अब यहां हमारे छह फंदे सीधे हो गए। फिर जाली डाली इस तरह, दो फंदों का एक कर दिया, अब यहां उल्टा फंदा एक भी नहीं रहा, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, छ फंदे, फिर जाली डाली, आगे देखिए दो फंदों का एक, और ये लास्ट वाला फंदा भी सीधा बना, ये हमारी सेवंथ रो बनी राइट साइड से। एट्थ रो, ये पूरी रो हमारी उल्टी बनेगी, क्योंकि यहां सीधी तरफ से कोई फंदा उल्टा नहीं बचा है। इस तरह ये हमारी एट्थ रो बन गई। अब हमारा देखिए ये डिजाइन हमारा इस तरफ चला था, अब हम डिजाइन को ये देखिए, पहले हमारा डिजाइन यहां चला था, अब हम डिजाइन को इस तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरफ मोड़ने के लिए हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लिए, हमारी नाइन्थ रो है, एक दो तीन फंदे उल्टे, फिर धागा बाहर किया, अब देखिए इन दो फंदों को हमने एक कर दिया, फिर जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, अब इस फंदे को और इसको हमने दो फंदे का एक कर दिया, फिर धागा अंदर किया, ये हमारी एक डब्बी बन गई। इस फंदे को छोड़ के एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, अब देखिए एक दो तीन फंदे उल्टे, फिर धागा बाहर किया, इन दो फंदों को हमने एक कर दिया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, दो फंदों का एक किया, और ये लास्ट वाला फंदा, ये देखिए टेन रो रॉन्ग साइड से, पहला फंदा उतार लिया, एक दो तीन चार पांच, देखिए एक दो तीन चार पांच, फिर धागा बाहर किया, एक दो तीन फंदे सीधे, एक दो
तीन चार पांच, तीन फंदे सीधे, ये लास्ट वाला फंदा उल्टा। 11 रो रोंग साइड से, पहला फंदा उतार लिया। अब हमने यहां एक दो फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर हमने अब डिजाइन को इस तरफ मोड़ना है, तो हमने यहां जाली डालनी है। दो फंदों का एक किया, जाली डाली, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे बना दिए, फिर आगे अंदर करके एक दो फंदे उल्टे बनाए, फिर धागा बाहर किया। अब एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, ये दो फंदों का हमने एक कर दिया, फिर जाली डाली, एक दो तीन चार, और ये लास्ट वाला फंदा भी मैंने सीधा बना दिया। 12 रो रोंग साइड से, पहला फंदा उतार लिया, धागा अपनी तरफ ही रखा, एक दो तीन चार पांच छः, फिर धागा बाहर किया, एक दो फंदे सीधे, धागा अंदर करके एक दो तीन चार पांच और छः, फिर धागा बाहर किया, एक दो फंदे सीधे, और ये लास्ट वाला फंदा। 13 रो राइट साइड से, पहला फंदा उतार लिए, एक फंदा उल्टा हो, इस उल्टे फंदे को और इस सीधे फंदे को, दो फंदों का एक किया, जाली डाली, एक दो तीन चार पांच, फिर धागा अंदर किया, एक फंदा उल्टा, जाली डाली, एक दो तीन चार पांच, फिर लास्ट वाला फंदा। 14 रो रोंग साइड से, पहला फंदा उतार लिया, दो तीन, पहला फंदा उतारा, एक दो तीन चार पांच छः सात, फिर धागा बाहर किया, एक फंदा सीधा, धागा अंदर करके एक दो तीन चार पांच छः सात, फिर धागा बाहर किया, एक फंदा सीधा, और ये लास्ट वाला फंदा मैंने उल्टा बना दिया। ये हमारी 14 रो बन के इस तरह दिख रहा है। 15 रो राइट साइड से, पहला फंदा उतार लिया, धागा बाहर रखा, अब यहां एक ही फंदा उल्टा नहीं बचेगा, फिर जाली डाली, एक दो तीन चार पांच छः, ये देखिए पहला फंदा उतारा, दो फंदे के किए, जाली डाली, एक दो तीन चार पांच छः, ये हमारी एक डब्बी बन गई। अब ये देखिए एक फंदा उल्टा है, तो यहां दोनों फंदों का दूसरी डब्बी में ऐसे एक, फिर जाली डाली, एक दो तीन चार पांच छः, ये देखिए यहां भी छह फंदे, फिर हमारा एक फंदा लास्ट वाला। ये हमारी 15 रो बनी, ठीक है। अब 16 रो में रोंग साइड से, पहला फंदा उतारा, अब इसी रो में कोई भी हमारे फंदे उल्टे नहीं थे राइट साइड से, तो यहां पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनेगी। 16 रो में ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। वैसे 8 सिलाइयों में ये 8 सिलाइयों का ये डिजाइन है, 8 सिलाइयां
एक तरफ देने के लिए और 8 सिलाइयां डिजाइन को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए, 16 सिलाइयों, 16 सिलाइयों में ये हमारा डिजाइन जो है पूरा हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड से देखिए इस तरह दिखता है डिजाइन बनने पर, और सीधी तरफ से देखिए फ्रेंड्स इस तरह दिखता है ये डिजाइन बनने पर। ये देखिए, ये पहले हमने इस तरफ मोड़ा, फिर डिजाइन को हमने इस तरफ मोड़ दिया। सोलह सिलाइयों का ये डिजाइन है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, फ्रेंड बेल आइटम जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, बाय बाय।